हेलो दोस्तों, हाय, कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे ब्लॉग्स में स्वागत है, रुबीनाज़ किचन में। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ बिरयानी, तो आप लोगों को दिखाऊंगी बना के कैसे मैं बनाती हूँ। बहुत टाइम से मैं कुछ वीडियो में डाल नहीं रही थी क्योंकि मैं घर आ चुकी थी, तो इसलिए कुछ समझ में नहीं आया था। मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी क्या करना है नहीं करना है, तो इसलिए मैंने अभी स्टेन लिया है, फिर इसलिए मैंने स्टार्ट किया है फिर से वीडियो बनाना। तो आप लोग बने रहे मेरे साथ, मैं दिखाऊंगी कैसे कैसे मैं बनाती हूँ बिरयानी। ये देख सकते हैं मैंने प्याज को छील लिया है, अब मैं इसको कट करूँगी। ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने 6 प्याज लिया यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हैं। मैं आप इसमें मैम अपनी मटन को बनाऊंगी, तो मैं इसको अच्छे से इसमें धो लेती हूँ। इसको धो के फिर मैं इसको कट करूँगी कि इसमें बहुत सारा गंदा लगा हुआ प्याज में, तो इसको धो लेती हूँ मैं। ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने प्याज को छील लिया, अब इसको मैं धो लूँगी, उसके बाद मैं कट करूँगी इसको। मैं घर पे आ गई हूँ तो मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो, उस समय जब मैं वीडियो बनाती थी उस समय मैं कोलकाता में थी, तो रेंट पे रहती थी, तो उस समय मेरे पास छोटा मोटा किचन था, तो मैं अपने किचन में ही काम। मेरी प्याज कट हो चुकी है, मैंने यहाँ पे 6 प्याज लिया है, आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं, आप लोग जितना यूज़ करते होंगे। अब मैं जल्दी से इसको पहले फ्राई कर लूँगी प्याज को, उसके बाद मैं पेस्ट बनाऊँगी। ये देख सकते हैं ऑयल हॉट हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी प्याज को फ्राई करने के लिए। तो मैं प्याज को फ्राई कर लूँगी अच्छे से। ये देख सकते हैं आप लोग, अब इसको फ्राई होने देते हैं प्याज को, कलर आने तक इसको फ्राई कर लेंगे प्याज को। मैं यहाँ पे लहसुन को छील लूँगी थोड़ा सा, उसके बाद मैं इसका पेस्ट बनाऊँगी लहसुन अदरक का। ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने लहसुन को छील लिया है, और मैं अदरक मैं इतनी ही बड़ी अदरक की यूज़ करूँगी, तो आप लोग चाहे तो अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, मैं इतना बड़ा डालूँगी अदरक। और ये रहा मेरा मटन, मैंने लिया है 750 ग्राम मटन है, आप चाहे तो आपके घर में जितनी सारी फैमिली है आप वो हिसाब से ले सकते हैं। मैंने 750 लिया है, मैं और मेरे हस्बैंड जी रहते हैं, तो हम लोग दो जन के लिए बहुत ज़्यादा है। तो मिर्ची और काली मिर्च, मैं तो मतलब मेरे पास भूखा नहीं है तो मैं गोटा ही यूज़ करती हूँ, आप लोगों के पास पता नहीं क्या क्या है वही यूज़ कर लीजिएगा, भूखा है तो भूखा ही यूज़ कर लीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर काली मिर्च डाल दी है, और मैं लाल मिर्च डालूँगी, तो आप लोग अपने हिसाब से डालना, आप लोग जितना खा सकते हैं तीखा। मैं अपने हिसाब से, मेरे हस्बैंड जी तो ज़्यादा तीखा खाते नहीं हैं, तो इसलिए मैं कम यूज़ करूँगी यहाँ पे। मैंने यहाँ पे छोटी मिर्ची है यहाँ पे, तो मैंने 3 से 4 लिया है, छोटा छोटा है, देख सकते हैं आप लोग। तो अब चलिए इसका पेस्ट बना लेते हैं जल्दी से। और ये लिया है मैंने गरम मसाला यहाँ पर, मैं इसको मटन में यूज़ करूँगी, आप देख सकते हैं 4 से 5 इलायची है, लौंग है, और 2 बड़ी इलायची है, दालचीनी थोड़ा सा, तो मैं इसको भी इसमें डाल देती हूँ। अब मैं जा रही हूँ पेस्ट बनाने के लिए, आप देख सकते हैं इधर मेरी प्याज भी अच्छे से फ्राई हो रही है, तो अभी कलर आना स्टार्ट हुआ है। अब देख सकते हैं ये प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है, और इसमें अच्छा सा कलर भी आ चुका है, तो मैं इसमें अब अपने मटन को डाल दूँगी। देख सकते हैं आप लोग, मैंने मटन को 2 पानी से को धो लिया था, फिर भी मैंने 1 पानी इसमें डाल के लाया, धो लेती हूँ, तो मैं मटन को डाल देती हूँ। मैं इसको अच्छे से चला लेती हूँ। देख सकते हैं आप लोग, मैंने इसको डाल दिया अच्छे से, मैं इसमें अपने मसाले को डाल देती हूँ।
जो मैंने पीसा है मसाले को। देख सकते हैं आप लोग, अब मैं यहाँ पे नमक डाल दूँगी। मैंने यहाँ पे छोटे चम्मच लिया है, 2 चम्मच नमक, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैं कम या ज़्यादा होगा तो मैं लास्ट में डालूँगी बाद में इसको। अभी मैंने नमक डाल दिया है, मैंने जितना मसाला सारे मसाले को डाल दिया पीस के, और मैं अभी कुकर को बंद कर दूँगी। देख सकते हैं आप लोग, अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया। मैं बिरयानी बना रही हूँ इसलिए मैंने इसका इसमें हल्दी का यूज़ नहीं किया है। लोगों को दिखाती हूँ इधर, ये देखिए यहाँ पे मेरा मटन रेडी हो रहा है, तब तक मैं इधर तैयारी कर लेती हूँ चावल का। 300 का मतलब 750, तो 750 में मेरे और मेरे हस्बैंड जी का बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं हम लोग का 2 टाइम हो जाता है, मतलब ज़्यादा ही हो जाता है, तो हम लोग 2 जन ही हैं। और ये मेरा मटन देख सकते हैं कैसा दिख रहा है, टेस्टी दिख रहा है। तो अभी इसको अच्छे से भून लेंगे हम लोग। मैंने यहाँ पे 4 हरी मिर्च लिया, 3 तेज़पत्ता लिया, और लॉन्ग इलायची, बड़ी इलायची 2 लिए, 5 छोटी इलायची, और दालचीनी नमक, और देख सकते हैं लॉन्ग लिया 4 से 5। मैं इसको चावल में यूज़ करूँगी। देख सकते हैं आप लोग मटन भी पक रही है, तो इसको अच्छे से भूनूंगी जब तक इसका पानी ना सूख जाए। वैसे यहाँ पे गांव है तो गांव का टमाटर ज़्यादा ही खट्टा होता है, तो मैं 3 ही यूज़ करूँगी, इससे बिरयानी में टेस्ट आ जाएगा। मैंने 3 टमाटर इसमें कट करके डाल चुकी हूँ। मैं देख सकते हैं आप लोग, ये जब तक पानी सूख गया तब तक टमाटर भी मेरे गल जाएंगे। देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं आप लोग, मैं यहाँ पे मटन को भून रही हूँ। मैंने यहाँ पे बिरयानी के लिए पानी भी चढ़ा दिया गर्म होने के लिए, तब तक मेरी मटन भून जाएगी, उधर पानी भी गर्म हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, मेरा मटन अच्छे से भून चुका है। देख सकते हैं आप लोग कलर कितना अच्छा है। अब मैं बिरयानी मसाले का इसी में यूज़ करूँगी, मैं इसी में मिक्स कर दूँगी, क्योंकि चावल में अच्छे से मिल नहीं पाता है, तो मैं मिक्स बिरयानी बना रही हूँ, मतलब दोनों को मिला के। आप लोग देख सकते हैं मैंने इसी में डाल दिया बिरयानी मसाले को, मैं अच्छे से इसको भून लूँगी। मैंने बिरयानी मसाले को डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया, धनिया पत्ते को मैं डाल देती हूँ इसमें। देख सकते हैं आप लोग कैसा दिख रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग, मेरा मटन अच्छे से भून चुका है। देख सकते हैं आप लोग कैसा कलर आया, अच्छा सा कलर आया इसमें। मैं उसको उतार देती हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने पानी को चढ़ाया था गर्म करने के लिए, पानी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी प्याज, ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने प्याज को कट करके रखा था, जैसे कि मैंने दिखाया था 3 मीडियम साइज का प्याज, तो मैं आप इसमें ऑयल गर्म हो चुका है मेरा, प्याज को मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी ब्राउन कलर ऑयल पर। देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने प्याज को यहाँ पे डाल दिया, अब ये इसमें अच्छे से कलर आ जाए बस, तब तक मैं इसको भून। देख सकते हैं अच्छे से कलर आ चुका है इसमें, तो चलिए मैं इसको अब निकाल लेती हूँ। मेरा प्याज अच्छे से भून चुका और अच्छा सा कलर भी आ चुका है, और मैंने इसको वापस से चढ़ा दिया। ये देख लीजिए आप लोग, मैंने इसमें गर्म वाला पानी मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें नमक डाल देती हूँ, ये देखिए आप लोग, मैं इसमें अब नमक डाल देती हूँ 2 चम्मच, आप अपने हिसाब से डालें, मैं इसमें भी चख लूँगी। ये देख सकते हैं आप लोग, मैं इसको ढक देती हूँ, थोड़ा सा पानी इसमें कम हो जाए उसके बाद मैं मटन को इसमें डाल दूँगी। थोड़ा सा ढक के पकाती हूँ मैं 5 से 10 मिनट तक। ये देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने पानी को सुखाया, 5 मिनट तक पानी सूख चुका है। अब मैं इसमें मटन को डाल देती हूँ, आप लोग देखिए बने रहिए मेरे साथ। मैंने मटन को इसमें डाल दिया है, देख सकते हैं आप लोग। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, ताकि अच्छे से इसका मसाला इसमें मिल जाए चावल में, ताकि इसका टेस्ट अच्छा से आए। देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने मटन को इसमें डाल के मिक्स कर दिया। देख सकते हो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है,
और मैं इसको 10 से 15 मिनट तक पकाऊंगी धीमी आंच में। ये देख सकते हैं आप लोग अच्छे से, ये पानी सूख चुका है, चावल भी पक चुकी है। तो मैं इसमें अब जो मैंने प्याज को फ्राई किया था उसको डाल देती हूँ अच्छे से, ऐसे फैला के आप लोग भी डाल दें, अच्छे लगे। प्याज से टेस्ट भी अच्छा आता है बिरयानी में। तो मैंने ऐसा बिरयानी बनाया, आप लोगों को जैसा पसंद हो आप वैसा बना सकते हैं, ऐसा भी बना के आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा बहुत ही टेस्टी लगता है। मुझे तो वो लंबा वाला चावल से ज़्यादा अच्छा इसी का बिरयानी लगता है, क्योंकि ये मसाला इसमें मिक्स हो जाता है, और इसीलिए मैंने हरा धनिया भी इसमें डाल दिया। देख सकते हैं आप लोग कैसा लग रहा है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इससे, देख सकते हैं आप लोग कैसा दिख रहा है। तो 10 मिनट मैंने दम में लगाया था, और मैं इसमें अभी 5 मिनट और इसको ढक के रख देती हूँ धीमे आँच पे। ये देख सकते हैं आप लोग मैंने यहाँ पे बिरयानी को दम में लगाया है, तो और 2-4 मिनट लगेंगे बस मेरा बिरयानी रेडी हो जाएगा। तो मेरा बिरयानी हो चुका है रेडी, और अच्छी सी खुशबू आ रही है, देख सकते हैं आप लोग। तो अब मैं जा रही हूँ उसको अपने हस्बैंड जी को देने के लिए, बन चुका है। देखिए मैंने सलाद को भी कट कर लिया, मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड को खाना देने, अब वही बताएंगे कि कैसा टेस्ट है, कैसा लग रहा है उनको। ये देखिए मैंने यहाँ पे बिरयानी को निकाल लिया है, और मैंने अपने हस्बैंड जी को, ये देखिए मैंने बिरयानी को यहाँ पे निकाल के रखा है, मेरे हस्बैंड जी खाएंगे, तो वो अभी काम कर रहे हैं यहाँ बैठे हैं, तो ब्रेक लगाएंगे तो भी खाएंगे, तो इसलिए मैं वेट कर रही हूँ उनका। तो आए तो वही बताएंगे टेस्ट करके कैसा बना है खा के। देखिए मेरे हस्बैंड जी को मैंने दिया खाने के लिए, वो खा रहे हैं, तो अब वही बताएंगे कैसा टेस्ट है। बहुत अच्छा है। तो इसकी मम्मी जी बनाती है ऐसा ये वाला बिरयानी, तो इसीलिए उन्होंने ही मुझे सिखाया है, तो इसलिए यही ना। तो आप लोग भी आ जाइए, संडे है तो खाने के लिए बिरयानी, तो देख सकते हैं आप लोग, ये मेरे हस्बैंड जी खा रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मुझे भी भूख लगा तो मैं भी जा रही हूँ खाने के लिए। तो बाय बाय, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।